हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शबाना, शबाना किचन में आपका इस्तकबाल है। आज हम नए तरीके से मीठे गुलाब जामुन बोलो या तो गुलगुले, वो मैं अलग तरीके से बनाने वाली हूँ। तो उसमें मैं आज केले के गुलगुले बनाने वाली हूँ। तो देखते जाइए मेरी रेसिपी, मैं आगे बताती हूँ उसका क्या करना है। 2 कटोरी गेहूं का आटा, उसके बाद लिया मैंने 3 केले, यहाँ पे लिए इलायची पाउडर 1 चम्मच और थोड़ा सा गुड़, और मैं डालने वाली हूँ शक्कर। 1 गिलास शक्कर लूंगी तो 1 ही गिलास दूध डालने वाली हूँ, पानी डालने वाली नहीं हूँ। तो देखना अभी मैं कैसे बनाती हूँ। अब इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच देसी घी। अब हम इस देसी घी में क्या करेंगे, केले को फ्राई करेंगे। इस केले को हम लोग अभी फ्राई करेंगे। देखिए इसको हम फ्राई करके लेंगे, ठीक है। देखिए तरह से हम इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा इसको रेड कलर आने देंगे केले को। सबको मैं मिक्सर से बारीक करके निकालती हूँ और इस तरह से हम इसको बाहर निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। और 1 गिलास लिया दूध, अभी मैं इसको ना मिक्सर के बर्तन में डालूंगी। ये मैंने 1 गिलास दूध लिया है, इसका जो नाप रहता है वो बराबर रहना चाहिए। 1 गिलास दूध लिया ना तो 1 गिलास ही शक्कर लेने का, वरना आपके पास दूध नहीं है तो आप 1 गिलास पानी लीजिए, 1 ही गिलास शक्कर लीजिए, ठीक है, या तो गुड़ लीजिए आपके हिसाब से। मैं से टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा हल्का सा गुड़ डालने वाली उसमें, ठीक है। मैं ज़्यादा करके शक्कर की बनाती हूँ और मैं शक्कर डाल रही हूँ उसमें। मैंने आपको बताया था 1 गिलास मैंने शक्कर लिया, तो उसको पहले दूध में मैं घोल लेती हूँ। बंद करते जाओ। केले को इस तरह से हम लोग ठंडा होने के बाद छील लेंगे और मिक्सर में डाल देंगे इस तरह से। ये सब मैंने केले इसमें डाल दिए, देखो मैंने मिक्सर से निकाल दिया है। अभी मैं इसमें दूध के अंदर इसको डाल देने वाली हूँ। देखिए इस तरह से ये पीसा हुआ पूरा केला, जो 3 केले मैंने लिए थे वो पूरे इसमें हमें डाल देना है। अब अगर आपको हाथ से नहीं घुमाना है, मिक्सर से घुमाना है तो घुमा सकते हो, लेकिन हाथ से ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए मैं हाथ से घुमाऊंगी। तो मैंने 2 कटोरी आटा लिया था, मैं 1 कटोरी इसमें डाल रही हूँ। जितना आटा इसमें बैठेगा उतना ही बिठाना है हमको, ज़्यादा नहीं करना है इसमें, जितना बैठता है उतना ही बिठाना चाहिए। 2 कटोरी मैंने आटा लिया था, ये 2री कटोरी है इसमें डाल रही हूँ। धीरे धीरे करके डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जितना बैठेगा उतना ही डालना है, न पतला करना है न ज़्यादा गाढ़ा करना है। अब इसमें मैं 2 चम्मच रवे के डाल रही हूँ, रवा डाल रही है, सूजी। अब ये इलायची पाउडर डाल रही हूँ इसमें, मैं इलायची डाल दी इसमें। इस तरह से हमें अब इसको तलना है, केले के गुलगुले छोड़ेंगे। ये हमारी सेहत के लिए हेल्दी भी होते हैं, केले भी हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, गेहूँ का आटा भी हमारे लिए अच्छा होता है। तो देखिए इस तरह से बनाइए। अगर आपको इसमें शक्कर का पाक करके डालना है तो आप वो कर सकते हो, इसके गुलाब जामुन भी बन सकते हैं और इसको स्टोर करके रख सकते हैं हम लोग काफ़ी दिनों तक, 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो एयरटाइट भरने में। इस तरह से घुमाना चाहिए, इसके जो नीचे निकल जाते हैं ना तो इसे दबते हैं, इसको ऐसे घुमाना चाहिए ऊपर से, तो बोल आती है एकदम बाउल के ऐसे, गोल गोल बाउल के ऐसे। देख इस तरह से गोल घुटन हो गए, गुलाब जामुन जैसे ही दिख रहे एकदम। देख इस तरह से इस तरह से इसको तल लेना चाहिए, धीमी आंच पे, मीडियम फ्लेम पे। बर्गर कटे, हाँ देखो गाइस ये सब बन के तैयार हो गया। इस तरह से बनाना है इसको, तो इसके मैंने पूरा आपको देखिए इस तरह से गेहूँ के आटा केले और उससे बनाया हुआ है, एकदम अंदर से भी पूरा खिला हुआ
जूसी। देखिए देखिए इस तरह से, तो जरूर बनाना, जरूर ट्राई करना और मेरे चैनल को आगे बढ़ाना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और ऐसी हेल्दी हेल्दी चीज़ें देख। चलो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद करना।